रहेगी बात साध्वी ठाकुर, साध्वी ठाकुर भी एक महिला और मैं भी एक महिला हूँ। वह तो उड़ा मतलब कह रहे हैं बाणा पैर कहना है और बुंदले पैर कहना है, वह तो एक रानी की तरिया रवा है। बेरा उसने जब पटा जो सड़क के ऊपर आया लड़ावा, यहाँ RSS के जो दल्ले है नी, इनके जोगी बोगी रोगी ये सारे एक के हैं। यानी बात ये है, जितनी नचनिया हुए विधानसभा में, जितने जोगी, एक बात बताओ बब्बे हैं, मैं इनके खाओ भाई, किस चीज की राजनीति। इन लोगों को, इन दलाल लोगों की वजह से आज हमारी यह हालत है कि हम सड़कों पर लड़ने लग रहे हैं। जो ये कुत्तेदारी है नी, जो ये लंबे लंबे कुत्ते पैर काम है, जो इनके ठेकेदार बन रहे हैं हमारे बीच में, इन्हीं लोगों ने हमारी नस्ल और फसल बेचने का काम करे। और या तो फिर यू बगमा बाड़ा क्यों पैरो, क्यों इसका मतलब आप हमारा देश का नाश करना पे तुल रहे हो, क्यों हमारे आर्यवर्त को आप गलत दिशा में ले जाने लग रहे हो। यदि हिंदुत्व है, यदि आप एक बाबा हो या मतलब एक सन्यासी हो, उसके जो आप चोला पहन रहे हो उसके औकात में रहना चाहिए। एक सन्यासिनी का हक नहीं बनता किसी की तरफ उंगली करना, क्योंकि आप लोगों ने भी पता है वो एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो बकवासबाजी कर रहा है, क्योंकि उसने कमाए का को नहीं खाया, उसने मैंग का खाया है। एक औरत ने, एक बूढ़ी औरत ने एक बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि कानों में बुंदले, बुंदले नहीं होते नाथ संप्रदाय की बड़ी गरिमामयी, बड़ा पवित्र योगी और सन्यासियों का, हमारे नाथ संप्रदाय का एक आभूषण होता है कान में कुंडल, जिसकी गरिमा को उसने तार तार किया है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, नाथ संप्रदाय के तमाम लोगों को भी दुख हुआ है। इसके खिलाफ 295 के साथ साथ कई धाराएं बनती हैं, उन पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। दूसरा, एक महिला ने कहा कि विधानसभा लोकसभा में काफ़ी सारी नचनियाँ बैठी हैं, नचनिया को भी यानी डांस करने वाली औरत को भी आप नहीं कह सकते, उनकी कला है, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग उस एक बूढ़ी औरत ने किया है। कई बार हो जाता है, चलो बीमारी खांसी दमा एड्स जैसी बीमारी है कईयों को, तो फिर क्या कर सकता है इसमें कोई, चलो अलग बात है बीमारियां आ जाती हैं। तो एक औरत ने कहा, विधानसभा लोकसभा में बैठी हुई सारी नचनियाँ, कहा ये सारी उन सांसदों का, राष्ट्रपति तक महिला बैठी है, उन सब का अपमान है, इस पर भी एक धारा बनती है, बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। फिर एक औरत ने कहा कि मोदी जी पुरुष नहीं है, एक औरत हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, खाज की एक पेशेंट है कि भाई तेरे को क्या पता मोदी जी पुरुष हैं कि औरत हैं, तेरे पास कोई चेकअप की मशीन है, तू गई थी वहाँ पे उसके साथ सोने की, तेरे को पता चला कि पुरुष नहीं है औरत है, या संतुष्ट है तू? तो खैर मेरा विषय नहीं है, उसकी टेंशन है, कहीं और से पता चल गया होगा। फिर उस औरत ने एक शब्द और कहा कि ये भोगी हैं, रोगी हैं, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत सुंदर सवाल का जवाब है, तो मतलब भोगी का आपको कैसे पता चला? ये तो जनता को बोलने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब आप अनुभवी हैं, आपका अनुभव काफ़ी नज़दीक से हैं। कभी कभी जो आपका ये अस्थि पिंजर जैसा बॉडी कई बार हो जाती है, कई महिलाओं की ये कारण यही है, ये अधिक मात्रा में मानसिक रूप से एक ही फिजिकल रिलेशन बनाने के पीछे पागल होती है ना कुछ महिला, वो इस टाइप की हो जाती है, उनका सिस्टम हिल जाता है। खैर फिर उन्होंने कहा समलैंगिक हैं, तो मतलब आप इसमें भी इंटरेस्ट रखती हैं? मतलब यार कहीं तो रुक जाओ, ऐसे मत करो, इस तरह की हरकतें नहीं करो, ये भारत देश है, भारत में मैं तो बड़ा खिलाफ हूँ समलैंगिक लोगों के, वैसे कानून कई जगह और भारत में भी अब इजाज़त देता है, तो आप कौन होती हैं, और आपका इंटरेस्ट अगर है तो आप जाहिर कर सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उस महिला ने कहा कि RSS के दल्ले मोदी जी के खट्टर साहब को काफ़ी कुछ कहा, हमें गर्व है हम RSS को सपोर्ट करते हैं, हमें गर्व है हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत फक्र है कि इस देश में RSS जैसा मजबूत गरिमामय शक्तिशाली एक संगठन है जो कि देश को लीड करता है, सलूट करते हैं RSS को। फिर एक महिला थी, उसने और भी कहा कुछ, तो पब्लिक को भड़काने का काम किया,
कहाँ महलों में रहती है, महारानी की तरह जीती है। देखो बहन जी, मान सम्मान के योग्य है गरिमा मई, मैं जातियों में विश्वास नहीं करती। तूने राजपूत जाति को भी टारगेट किया, ठाकुर समाज को भी टारगेट किया। मैं जातियों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं तो 36 बरादरी से प्यार करती हूँ, करती रहूँगी। तूने कहा कि महलों में रहते हैं, देखो जन्म किस जाति में किसको कहाँ देना, वो परमात्मा के हाथ में, तेरे या मेरे हाथ में तो है नहीं। और कुछ लोग जन्मजात ही राजे होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता, वो भाई ब्लड ही राजा पैदा होते हैं, उसमें तू क्या कर सकते हैं। तू इसमें कोई जालसी करे, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, ये कहाँ से होगा। दूसरा, तूने कहा सड़क पे क्यों नहीं आते। देख तू सड़क पे घूमती है, वो तेरा अपना अनुभव है कि तू सड़क पे क्या कर रही है, क्यों घूम रही है, क्या तेरा मोटिव है, क्या तू पाना चाहती है। कभी किसी संगठन में या किसी समुदाय के साथ क्यों आप रहते हो, मैं मेरा विषय नहीं है, मेरा काम नहीं है। वो सड़क पे कोई भी घूमे आज़ाद है। रही तूने कहा भाई वो दो ड्रेस चेंज करती है, मैं तो धन्य मानती हूँ कि तू ध्यान इतना रखती है। देखना तेरे को प्रेस की टेंशन ना, धोने की टेंशन ना, ड्रैकलिन की टेंशन ना, लियाने की टेंशन ना, मेरे टेलर मास्टर के खर्चे की टेंशन ना, मेरे कोई विशेष तौर पर इस तरह का आपको दे रहे हैं। तो मेरा अपना अपनी लाइफ है, उसको लग्जरी जिए या कैसी जिए, तो आप क्यों परेशान हैं। दूसरी एक और बात, विशेष तौर पर एक महिला थी इस दौरान, किसान आंदोलन चला जब, मैं डाटा नहीं देना चाहती, उस महिला को वो घर से बहाना बना के किसान आंदोलन का दौड़ गई और कई दिन गायब रही। सुना उसको कई बीमारियां हो गई हैं, तो ऐसी महिला के बारे में अगर पता चले उसे दूर रहो, कहीं और कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो किसी न किसी के उसने तो सिरोना होता है, तो ऐसी कहीं बीमारियों का भी पता चला है, हालत अंदर से ठीक नहीं है। तो रही हाँ, जो कानूनी कार्रवाई बनती है कोर्ट को, उच्च न्यायालय को, माननीय कोर्ट को भी उसने कहा, कोर्ट नहीं कोठा कहा, कितना बड़ा अपमान उच्च न्यायालय का किया, तो इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारे मुख्य पॉइंट मैंने आपको बताए, इन सब को लेकर जिंद कोर्ट में, करनाल कोर्ट में, हम प्रशासन के पास, कानून पर हमारा विश्वास है, एसपी साहब पर हमारा विश्वास है, हम जाएंगे, कानूनी कार्रवाई करवाएंगे और अवश्य करवाएंगे। आप लोगों को मेरा लाइव अच्छा लगा हो तो कॉपी करके शेयर करना, धन्यवाद। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, 3-4 साल पहले एक और अच्छी रोहतक से 52 दिन लाइव आई मेरे लिए, मैं 52 दिन चुप रही, और 52 दिन के बाद फिर मैंने एक एप्लीकेशन लगाई, 2 महीने करनाल जेल में रही, और आज भी काफ़ी बार आते हैं माफ़ी के, उसके इसके, मेरा कोई लेना देना नहीं, वो कोर्ट जो करेगा उसको, वो सबके लिए स्वीकार है। और हाँ, जब से ये वीडियो आई है मुझे जान से मारने की कई धमकियाँ आ रही हैं, मेरे लिए कई खतरे पैदा हो गए हैं, कहीं उसने राजमहलों का जिक्र किया, धनवान होने का जिक्र किया, सुंदर होने का जिक्र किया, कई चीज़ें की। उसके बाद अगर कोई लॉस होता है तो उसके जिम्मेवार वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया में इस तरह के बयान दिए हैं। आज या कल मुकदमा दर्ज होगा मानहानि का भी, और जो गलत एलिगेशन लगाए गए उनके थ्रू भी। आवाज़ उठाना सभी का अधिकार है, मुझे आपको सबको उठानी चाहिए। तो इन शब्दों के साथ मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, आप सबको प्रणाम।